सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू देसी आर्मी यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ फ्री फायर या फिर GTA 5 का एक जबरदस्त यूट्यूबर फैन फेस्ट वाले वीडियो में, जिसको बनाया गाइज यहाँ पर फियरलेस मैन FF ने। तो काफी बढ़िया वीडियो है, जहाँ पर मैं अज्जू भाई और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स फ्री फायर के यूट्यूबर्स फीचर्ड है। तो चलो गाइज, इस वीडियो को एंजॉय करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर एक फैन फेस्ट हो रहा है, जहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर मिल रहे हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। सब्सक्राइबर्स है, उसने पिछले वीडियो में बोला था कि अपने फेवरेट यूट्यूबर का नाम कमेंट कर देना, वो उन्हें वीडियोस में लाएगा। हाँ बाबू मोसाय, उसने बोला था, तो बताओ कहाँ है गर्ल। तो ये सब लोग ना मतलब सब्सक्राइबर लोग है, ठीक है। जितने भी यहाँ पर आप रेयर बंडल देख रहे हो, ये यूट्यूबर्स को मिलने आए, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। जोशी, अजू भाई, अमित भाई और टेक्नोलॉजिकल गेमर। अरे हाँ ये भाई, टेक्नो गेमर को टेक्नोलॉजिकल गेमर बना दी। सारे यूट्यूबर आए थे, फिर पता है तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये हुआ। क्या हुआ बे? अरे अरे, नंबर प्लेट देखो, अज्जू भाई। ओ भाई साहब, सेंड एंट्री एस अज्जू भाई ओपी। अरे ये तो अज्जू भाई की कार है ना, लगता है ये भी फैन फेस्ट में आ रहे हैं। अरे अमित भाई, जॉर्ड भाई, रेंज रोवर मेरे घर में नहीं है यार। गाइस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मुझे भी पैसे कमाना है, मेरे को ये गाड़ी खरीदना है भाई। सब्सक्राइब करो, ऐसे ही गाड़ी मेरे घर के सामने खड़े करके फोटो खींच के इंस्टाग्राम में डालूंगा। चलो सब्सक्राइब करो सब लोग। कुछ तरीका है भीख मांगने का भाई? चलो देखते हैं क्या होता है। और एक सेकंड यार, उन्होंने तो फेस रिवील ही नहीं किया। अगर वो मेरे से पहले पहुंच गए तो फेस रिवील हो जाएगा उनका। ये बात सही है ना अज्जू भाई, अगर पहले चले गए तो फेस रिवील हो जाएगा। नॉट बैड, बढ़िया स्क्रिप्ट है। अज्जू भाई रुक जाओ, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अज्जू भाई रुकेंगे थोड़े ना। ये बात, अरे ठोक दिया अज्जू भाई ने। एलिया, ए, कौन है? मेरा रास्ता रोक के खड़ा है, पढ़ा के दे दे तो। अरे नहीं अज्जू भाई, वन टैप मत मारना, ये मैं हूँ। अरे यार, मेरा हेयर रेड कलर का है और मेरा मास्क वो एशियन स्कॉर्पियो लगा देते और बेटर होता है यार, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अमित भाई, अच्छा सर जी आप हो, पर आपने बीच में गाड़ी क्यों डाली? अरे अज्जू भाई, आप भूल गए क्या कि आपने अपना फेस रिवील ही नहीं किया है और आप फैन फेस्ट में जा रहे हो और अभी आपका गलती से फेस रिवील हो जाता। अरे सर जी थैंक यू, आपने इस बार मुझे बचा लिया, तो चलो अब मैं घर चलता हूँ। स्कॉट खेलूंगा, उससे पहले मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। इमोशनल डैम। तो जाओ तुम घर जाओ, सोलो वर्सेस स्कॉट खेलो सालो, और कुछ काम नहीं है तुम्हारा, थोपड़ा दिखाओ तुम्हारा। हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? मैं हूँ अजय और आप लोग देख रहे हो फियरलेस मैन यूट्यूब चैनल। तो आज अपन वापस से खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्कॉट। तो मैं उतर गया था पीक पे और हमें मिल गई है ये व्हाइट कार, और मैं लिटरली आधे घंटे से बंदे ढूंढ रहा हूँ और मुझे कहीं मिल ही नहीं रहे। अरे रोड में थोड़े ना मिलेगा भाई, गेम में जा। हमें ढोलकपुर जाना है पर कहीं बस इच नहीं मिल रही, कैसे खाएंगे टुन टुन मौसी के लड्डू। अरे फाइनली हमें बंदे मिल चुके हैं और पूरी स्क्वाड है, पर लिटरली इनको डर ही नहीं लग रहा है। अभी बताता हूँ इन चीम कांडियों को। ले भाई अज्जू भाई, लिटरली गाइस एक ही बारी में पूरी स्क्वाड उड़ा दी। भाई लोग एक बार अज्जू भाई ओपी इन द चैट हो जाए। यस गाइस, अज्जू भाई ओपी इन द चैट, पुलिस आगे, देखते हैं क्या होता है। मिल गया सेलमोन भाई, ई रहा, समझ रहे हो? अरे इस बार तो तू ना बचेगो। अरे गाइस, भावना में बे के मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया, अभी अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। ले भाई अज्जू भाग गए। अरे सासा, ये तो अमित भाई है, अमित भाई बिग फैन, आप तो मेरी इंस्पिरेशन हो। अरे थैंक यू क्रिमिनल, वैसे सच बता तूने ये बात कितनों को बोली है? अरे लगभग ये सच्चाई है, बताए साले सब लोग ना मतलब अपने काम बनाने के लिए इसी बोलते हैं, अमित भाई आपको देख के मैंने यूट्यूब शुरू किया था, ये वो बोलते हैं, और बाद में पता चलता है वो सबके साथ बोलते हैं वही चीज, बताए जस्ट फॉर लाइक गेटिंग अटेंशन, या फिर पता नहीं क्यों लाइक उसको अनकंफर्टेबल फील होता है या फिर नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा मेरे साथ रियल लाइफ में हो चुका है। अरे यूट्यूबर्स को बोला है कि आप मेरी इंस्पिरेशन हो, मुझे भी बोला था। अरे ये तो वो अमित भाई है ना, जो गेम में चैलेंज करते रहते हैं, वो सिर्फ गेम में ही कर सकते हैं, रियल लाइफ में नहीं। जब बेइज्जती भाई, मैं रियल लाइफ में चैलेंज नहीं कर सकता क्या? अगर इस वीडियो में 10,000 कमेंट आ गया और तुम में से कोई भी बंदा कुछ भी कमेंट करो, मैं 3 बंदे का चैलेंज करके अपलोड करूंगा। चलो रियल लाइफ, अगर 10,000 कमेंट और 3 कमेंट को मैं लाइक कुछ भी चैलेंज दो, कुछ भी जैसा तैसा चलेगा, मैं करके डालूंगा। चलो अबे क्या बकवास कर रहा है, मैं रियल लाइफ में भी चैलेंज कर सकता हूँ। यस भाई मैं कर सकता हूँ यार, किंग बोलते हैं, तू इनको कोई भी चैलेंज दे वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो गेम में तो कोई भी पिस्तौल से 10 बंदों को लॉबी में भेज सकता है, अगर दम है तो रियल लाइफ में भेज के दिखा। अरे भाई यार ये तो गलत बात है, रियल लाइफ में थोड़े ना बंदे मारेंगे भाई। छोड़ी बच्ची हो क्या, पुलिस लेके चले जाएगी। बात ये तो आराम से कर लेंगे, क्यों अमित भाई, ठीक है। तो AS की खार में पिस्तौल पड़ी है ले लो, और पीछे ग्राउंड में 10 नल बंद है उनको उड़ा दो। अरे इतनी सी बात, अभी तू देख मैं कैसे चैलेंज कंप्लीट करके आता हूँ। अरे ये ससुराटो सच में आ रहा है, पर मुन्ना तू चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्यों भाई? ये बात जॉर्ड, ये कौन है, हड्डी कंकड़ कौन आ गया भाई, इसको भगाओ, खत्म।
ले भाई जा दिखा दे तेरे का औकात। ये बात धूम ताना ना ना भाई, एकता कपूर की याद आ गई मुझे यार, लिटरली वो सीरियल मम्मी देखती थी। अगर एक हाथ में दिया होता है, प्लेट होता है, जब दिया गिरता है तब तक दो बार ब्रेक आ चुका होता है, बट वो दिया नीचे गिरता है, वही म्यूजिक आता है बैकग्राउंड से, धूम ताना ना ना धूम ताना ना ना धूम ताना ना 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 ना, ये सब। ये लो बंदों का काम तमाम, अरे ऑफिस अरे भाई बंदे का काम तमाम भाई भाई, इसके लिए तो भाई फेयरलेस मेरे को बुला मेरे पास, उसको चुम्मा करना है मेरे भाई, ये मेरा डायलॉग है, मेरा टैगलाइन है, ठीक है, बंदे का काम तमाम ओपी भाई। ये डायलॉग ने मतलब पूरा अब तक जो भी स्क्रिप्ट आया, जितना भी रेंज रोवर आया, कुछ भी आया, बंदे का काम तमाम देसी आर्मी को टच कर गई। क्या बात है, ही वो बंदा है जो सब खलौबी में भेज रहा है। अरे बड़ी चूल मच्छी से तन्ने, चल अब थाने बताता सू तारे को। अरे नहीं नहीं ऑफिसर, मुझे फंसाया गया है, ये इस चिमकांडी की चाल थी, और मैंने तो सिर्फ इसको चैलेंज दिया था, पर इसने इस काम को खुशी खुशी किया। अच्छा। सर धारा 69 सेक्शन एक्स के तहत। क्या बोला तूने? धारा 69 सेक्शन एक्स के तहत चैलेंज करने वाला नहीं, चैलेंज देने वाला मुजरिम होता है। ये बात तो पते की कही, चलो आपको छोड़ देता सू, और मुकेश तू चल थाने। सर लीव मी अलोन एंड टॉक विद माय लॉयर, ओके? सुन रेड क्रिमिनल, मैं बाद में आता हूँ, अभी मुझे इनको लेके अस्पताल जाना पड़ेगा। चलो कोई ना अमित भाई, बाद में मिलते हैं। भाई अमित भाई को तुम लोग अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है? तुम लोग कैसा भी चैलेंज दो, कुछ भी चैलेंज दो, कहीं भी चैलेंज दो, अमित भाई कहीं भी गेम में रियल लाइफ कहीं भी रेडी है, ठीक है भाई। यार एक बंदा शॉर्ट चैनल पे वीडियो डालता है, एक चैनल देसी गेम में डालता है, हालांकि व्यूज का माते बात अलग है, एक बंदा इंस्टाग्राम में एक्टिव है, एक बंदा फेसबुक पेज पे एक्टिव है, एक बंदा इस सेकंड चैनल पे एक्टिव है, एक बंदा शॉर्ट्स डालता है, भाई क्या करे एक बंदा, भाई इतना खतरनाक बंदा तुमने कभी देखा है? नहीं भाई, इतना मेहनती इंसान तुम लोगों ने कभी देखा है क्या? तुम देख ही नहीं पाओगे यार, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो चलो गाइस अब यहाँ पर वीडियो देखते हैं कौन आ गया। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर GTA 5 वीडियो। मैंने इसे बोला टेक्नो गेमर का, बट उसने बोला ये गलत है। तो यो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5, ऐसे बोला था मेरे को टेक्नो गेमर ने। मेरा ब्लॉग जिसे मैंने दिखाया देख लेना, ठीक है, उस ब्लॉग में मैंने दिखाया है। अरे ना ही भैया इंट्रो मत दो, क्योंकि आज हम लोग आपका काम ना ही करने वाले। अरे यो क्यों नहीं करोगे, क्या हो गया यो? अरे ये ट्रेवर और फ्रैंकलिन मेरे साथ काम नहीं करना चाहते है। जो हमने मर्सिडीज के शोरूम से कार चोरी की वो इनका आखिरी मिशन था हमारे साथ, अभी हमारे साथ काम नहीं करेंगे। ले भाई भाई ऐसा थोड़ा ना होता भाई, पैसे की कमी लोगों को हर बार होती है, ऐसा होता है। इलन मस्क भी ट्विटर खरीद के बेचारा मेहनत कर रहा है, पैसे तो चाहिए ना, एक बार करने के बाद ऐसे थोड़ा ना होता काम नहीं करेंगे, काम तो करना बनता है यार। और गाइस अगर तुम लोग भी चाहते हो कि मुझे GTA 5 की एक दो वीडियो अपलोड करना चाहिए, आप लोग कमेंट बताओ, ठीक है? अरे बता रहा हूँ, ई लेस्टर तो माइकल का इस्तेमाल कर रहा है, ससुरा सिर्फ मिशन देता रहता है और हमारे साथ तो कभी ना ही आया। ई लो हमने लास्ट में मर्सिडीज का शोरूम लूटा, वो आया ना ही आया ना, ससुरा पैसा मांगने जरूर आएगा देखना। अरे ये यो हनी सिंह थोड़ा पुराना हो गया है, मुझे कुछ मॉडर्न सोचना पड़ेगा। अरे नहीं मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, तुम लोगों को साथ में काम तो करना ही पड़ेगा। यो व्हाट्सएप यो गजब बेइज्जती है। अरे ये तो बढ़िया रहेगा गुरु। यो व्हाट्स अप गाइस, हनी सिंह आहा। अरे ये हनी सिंह कॉपी कौन कर रहा है मेरी? यो सुन छोटे कोलैब करेगा। यो हनी सिंह यो वन टाइम रैपर। व्हाट्स अप गाइस, टेक्नोलॉजिकल गेमर हियर। अरे तुम बढ़िया बोलते हो, मुझे भी सिखा दो यो। अरे यो नहीं यो 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 व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग? आर यू कॉमेडी मी? यो तारा भाई जोगेंदर। यो जोगेंदर तारा भाई जोगेंदर। यो अरे सासा वो देखो नंबर वन ब्लॉगर आ रहे हैं, गौरव जोशी ब्लॉग्स। चलो सौरभ जोशी भाई का एंट्री हो गया, चलो देखते हैं क्या होता है। आता हूँ। अरे जो ओरियो है ना वो बिल्कुल लोमड़ी तेरी तरह दिखता है। अरे गौरव जोशी सर बिग फैन, आप तो मेरी इंस्पिरेशन हो भाई। देखो 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 अभी क्या बोला इसने, अब आप मेरे इंस्पिरेशन हो, जब मेरे से मिला था तभी भी इसने यही बोला था, अभी सरूर से मिला अभी भी यही बोल रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा भाई, ये रियलिटी दिखा रहा है, ठीक है गाइस सच बोल रहा हूं। फियरलेस मैन ने ये वीडियो में फाड़ दिया भाई, ये वीडियो जाके देखना, लिंक में कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप लोग जाके देखना, मस्त वीडियो बनाया है, ठीक है। अरे क्रिमिनल नाइस टू मीट यू। और गाइस मैं आज आपको गौरव जोशी की सच्चाई दिखाने वाला हूं। गौरव जोशी एक्सपोज बड़े बड़े यूट्यूब
यूट्यूबर्स को ही मिलता है, हमें नहीं मिलता, फुल्ली एक्सपोज्ड। अरे ये कौन है जो अनाप शनाप बोल रहा है? ओए छोटू इधर आ, मिल ले गौरव जोशी से। हेलो सर, बिग फैन, मेरा चैनल प्रमोट कर दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ आपको मिलने। अरे भाई सॉरी, मैंने ओ भाई ये मस्त नहीं कर सकता क्योंकि मैं चैनल प्रमोट नहीं करता हूँ। हेलो बात तो सही है ना यार, एक बंदा यूट्यूब पे अपना लाइव दिखाता है, वो लाइव देखो एंजॉय करो। मान लो मैं अगर यूट्यूब में तुम लोग हंसाता हूँ तो मैं ऐसा थोड़ी ना तुम लोग मेरे घर में आ जाओगे, भाई अमित भाई मेरा भी चैनल प्रमोट कर दो, ऐसा नहीं होता। अरे समझ जाओ तुम लोग यार, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ। गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो, टुडे गौरव जोशी फुली एक्सपोज्ड। इनमें बहुत ईगो है, ये हम जैसे लोगों को अपने ब्लॉग्स में नहीं लेते। अरे क्रिमिनल, इसका कुछ करना यार। ओए छोटू इधर आ, तू जो बोलेगा वो गौरव जोशी करेगा, ठीक है? फिर मेरे ब्लॉग में बोल दो कि सुरेश भाई YT ब्लॉगर को सभी बंदे लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत तेज हो रहे हो, ठीक है यार बोल देता हूँ। तो गाइस जितने भी बंदे ये वीडियो देख रहे वो सुरेश भाई YT ब्लॉगर को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये बहुत ही मेहनती इंसान है। सर छोटू तूने जो बोला था वो हो गया, ठीक है अब खुश? ओए हो गया, ओए चलो अब मैं चलता हूँ गौरव भाई। पर एक मिनट, ये तो आपकी थार है, मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए। अरे कमाल आदमी हो यार, सॉरी पर ये थार तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। गाइस वो देखो मेरे पीछे गौरव जोशी है, मैं अभी उनको मिल के आया, बहुत ही घमंडी इंसान है। थार क्या ले ली, बहुत ही एटीट्यूड आ गया है, उसे थार दे दो, आपके पास फॉर्च्यूनर तो है। अरे ठीक है कोई बात नहीं, ये थार तुम ले जाओ। और थैंक यू गौरव भाई, था थार चलाने का। अरे गौरव भाई थार तो इसको दे दी, ये सड़ा फिर से क्यों आ रहा है हमारे पास? और गौरव भाई आपके पास तो दो यूट्यूब चैनल है, एक काम करो एक मुझे दे दो, जोशी ब्लॉग्स वाली। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे मारो। अरे दो है तो क्या हुआ, मैंने दोनों में मेहनत की है भाई, मैं थोड़ी दे सकता हूँ। ये वीडियो लास्ट तक देखना, मैं पूरा गौरव जोशी एक्सपोज करने वाला हूँ, बहुत पहले जैसा नहीं रहा, बहुत कमंडी और एटीट्यूड। भाई सच बोलना यही होता है, जितने भी एक्सपोज ये सब एक्सपोज वीडियो रोस्ट ये, और रोस्ट तो नहीं एक्सपोज टाइप के वीडियो होते, इसी टाइप के मतलब इलॉजिकल होते, पता है मेरे से नहीं मिला भाई, गाड़ी नहीं रोका, ये वो फालतू गिरी करते हैं लोग यार। अरे क्रिमिनल तू यहीं रुकना, मैं अभी दो मिनट उससे बात करके ये आता हूँ। बड़ा वाओ वाओ, तो पुतिन में भी नहीं है, लेट्स गो। अरे ये मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, क्रिमिनल तूने किया क्या? अरे नहीं गौड़ो भाई, ये आपने नहीं किया, टीपू ने किया। बाबू मोसाय मेरा पे क्यों झूठा इल्जाम लगाता है, ये मैंने नहीं किया। किसने किया भाई? टेंशन मत लो, मैं कोर्ट में बोल दूंगा कि ये गौरव ने नहीं मेरे ड्राइवर ने किया है। पिछली बार भी मैंने यही बोला था कि वो मैं नहीं मेरा ड्राइवर था। फॉर्च्यूनर आ गया, अच्छा हुआ सेलमोन भाई ने बचा लिया, वरना अगला व्लॉग गौरव जोशी का ये होता कि जेल में पॉपअप हो गया। बढ़िया था गुरु। अरे गौरव पीयूसी किधर है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई उसे तो मैं अभी स्कूल। तो गाइस अभी ना आज के लिए इतना ही, ठीक है? अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके देखना। फियरलेस मैन FM भाई ने काफी बढ़िया वीडियो बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।